राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के निर्वाचन प्रतिनिधियों का एक अभूतपूर्व गैर राजनीतिक सम्मेलन है। लोकतंत्र में विधायी कार्यों एवं नीति निर्माण में सुदृढ़ीकरण के संबंध में आपसे विचार विमर्श के लिए राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन मुंबई में 15 से 17 जून 2023 तक आयोजित किया जाएगा। ये मंच देश के अलग अलग राज्यों के विधायकों को एक दूसरे से संवाद करने, सुशासन के मुद्दों पर आपसे विचार विमर्श और लोकतंत्र को ताकतवर बनाने के लिए बनाया गया है। विधायकों के इस 3 दिवसीय सम्मेलन में विधायकों और जनप्रतिनिधियों सहित सभी प्रतिभागियों के लिए 80 से अधिक समांतर विषयगत सत्र होंगे। लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से आयोजित इन विशेष सत्रों में भाग लेने के लिए कई प्रसिद्ध नेशनल ग्लोबल लीडर्स के साथ साथ विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर कुछ अन्य देशों के लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों के साथ भी संवाद सत्रों की योजना बनाई गई है। इस सम्मेलन के संरक्षक पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, डॉक्टर मीरा कुमार, श्री मनोहर जोशी, श्री शिवराज पाटिल, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, भारतीय छात्र संघ और अतुल्य भारत निर्माण फाउंडेशन। इस कार्यक्रम की परिकल्पना और संयोजक श्री राहुल वी कराड, संस्थापक MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ने की है। राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी इस कार्यक्रम के सलाहकार मंडल की माननीय सदस्य हैं और अपने महत्वपूर्ण सुझावों के द्वारा इस कार्यक्रम को एक नई दिशा दे रहे हैं। भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में विधायी प्रतिनिधियों और विधायकों के कौशल और क्षमता को बढ़ाना इन सम्मेलन का असली मकसद है। राज्य विधानसभा और विचारकों की आपसी बातचीत में सुधार करना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और विधायी भाषण की गुणवत्ता को बढ़ाना सम्मेलन का उद्देश्य है। सम्मेलन से प्रतिभागियों को अनुभव, ज्ञान, आपसी विचार विमर्श, अंतर्राज्य सहयोग माध्यम से शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक है। साल पहले जब मन में कल्पना आई तो मैंने पूछा जब मैं अपने महाराष्ट्र के फॉर्मेशन मिनिस्टर वेंकैया
पूरे भारत में इतनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और हमारा एक अच्छा हालत है, तो शायद केंद्र सरकार भी इस तरीके का उपक्रम देता है तो शायद इसकी तरफ देखने का नजरिया। तो आप प्राइवेट एजेंसी है, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट एजुकेशन सेंटर है, तो आप इसको लीड लीजिए और एक बहुत इसमें सफलता मिलेगी। और बीच में कोविड आया उसके बाद चर्चा नहीं हो पाई, तो फिर मेरे स्पीकर महोदय के साथ भी चर्चा हुई, अभी जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी सर ने सभी विधानसभा के अध्यक्षों के साथ प्रमोट किया और एक बहाना हुआ उसको की और सभी विधानसभा के अध्यक्षों को माननीय स्पीकर महोदय ने सबको चिट्ठिया दी थी कि भाई ये हमारे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रा जी, मीरा जी, शिवराज जी और मनोज जोशी जी जो पार्लर लोकसभा के स्पीकर हैं उनका रोल तो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसी में जोशी सर का भी मैं ये पत्रकार परिषद खाली तारीफ करने के लिए नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बजाई और एकेडमिक मामलों में और गवर्नेंस के मामलों में उनका ऊंची शायद राजस्थान है, पूरा भारत जानता है। तो उस भूमिका से मुझे प्रसन्नता है कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं अलग अलग विधानसभाओं में ऑलरेडी इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी है, 1800 के लगभग पूरे भारत में 4300 टोटल MLAs और MLCs है, उसमें से करीबन 1800 MLAs की कन्फर्मेशन आ चुके हैं। और एक न्यूट्रल तरीके से एक बियॉन्ड पार्टी लाइन डेवलपमेंट की भूमिका से राजस्थान का कई कांग्रेस के कोई MLA उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बीजेपी का महाराष्ट्र का MLA दोनों के बीच में MOU बन सकता है कि भाई डेवलपमेंट आपने वहाँ की यहाँ कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से विधानसभा और विधानसभाओं के बीच में भी आने वाले समय में कुछ MOUs हो सकते हैं। ये विधानसभा बहुत ऐसे करने की केरला के बारे में तारीफ किया, क्या संशोधन क्या है, आप कैसे यशस्वी कर सकते हैं, राजस्थान में ये नहीं हो रहा। तो एक MOU दोस्त इसमें एग्रीमेंट कुछ बन गए, एक दूसरे से सीखने के लिए ये प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन यहाँ पे होने जा रहा है। MLAs के चैलेंजेस, अमेरिका में आप जानते होंगे 7000 के लगभग MLAs हैं, 7300 के लगभग, हर MLA को 10 लोगों का स्टाफ सरकार की तरफ से दिया जाता है। भारत में इस तरीके की सुविधा नहीं है, ऐसे बहुत सारे MLAs के भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनके ऑफिस सेटअप गवर्नेंस हम तो इसके माध्यम से जैसे महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के कॉलेज मेडिकल के कॉलेज 83 में आए आप जानते हो, और बहुत सारे लोग राजस्थान से वहां पे आते हैं इंजीनियरिंग सीखने के लिए, मेडिकल सीखने के लिए, तमिलनाडु कर्नाटक का भी 70 में हो, महाराष्ट्र इतना आगे होने के बाद भी तमिलनाडु कर्नाटक के 10 साल बाद ये कायदा कैसे क्या जाता है। उसी तरीके से स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप राजस्थान में तो ये जो गैप्स है प्राइवेटाइजेशन 98 के बाद सर्व होने की राजस्थान में आ गया, बीच में इतना गैप गया, खाली एक सेक्टर का अगर आपने अभ्यास किया तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के माध्यम से ये सभी MLAs का एकत्रित आना हमारी लॉ मेकिंग प्रोसेस बहुत फास्ट बना सकता है और एक नेशनल इंटीग्रेशन पूरे भारत के हमारी पॉलिसीज और लॉ हम फास्ट बना पाएंगे, ऐसा हमारा इसमें से उद्देश्य भूमिका है। और मैं पिछले 18-20 साल से स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से जो जुड़ा सभी विधानसभाओं के साथ हुआ उसी के माध्यम से ये नेटवर्क बनते हुए ये कॉन्फ्रेंस सफल होने जा रही है। करीबन 24 विधानसभाओं के अध्यक्ष इसके सलाहकार मंडल में सर की भूमिका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली, वैसे बाकी जो सतीश महाराज जी उत्तर प्रदेश के स्पीकर हो, गौतम गिरीश गौतम साहब मध्य प्रदेश के स्पीकर हो, महाराष्ट्र के श्री राहुल नार्वेकर जी हो और महाराष्ट्र सरकार और सभी विधानसभाएं मिलकर अभी ये सम्मेलन सफल करने जा रही है और मेरी भी संस्था एक छोटी सी भूमिका इसमें निभा रही है। और मैं आप सबको अपील करता हूँ कि एक सिविल सोसाइटी का भी इसमें क्या अपेक्षाएं हो सकती है, इतने MLAs पूरे इकट्ठा हो रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेने का मकसद क्योंकि ये तो MLAs के MLAs के बीच में कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन आम आदमी को भी ये पता चले कि क्या अपेक्षा हो सकती है, ये सब MLAs इकट्ठा के क्या उनसे अपेक्षा है आम आदमी की, आम समाज की, और उस भूमिका से एक अच्छा पीयर प्रेशर फिल्टर होकर हमारा गुड गवर्नेंस का मॉडल और बेहतर बने अगले कुछ सालों में इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन से मदद होगी।